ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयकारा शेरवालिका बोल साचे दरबारे की जय। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे दर्शकों, आप सदा इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सदा माता भवानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और आपके किन्हीं भी कामों में कभी भी कोई भी अड़चन ना हो। प्यारे साथियों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको काले धागे से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा कि काला धागा क्यों धारण किया जाता है और काले धागे को धारण करने से क्या लाभ हो सकता है। प्रिय साथियों, आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या काला धागा धारण करने से हमारे जो खराब ग्रह हैं वो भी शांत होते हैं। इसके बारे में सारी जानकारी आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी भक्तजनों को दूंगा। प्रिय दर्शकों, वीडियो को शुरू करने से पहले भगवान शंकर देवता को नमस्कार करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रिय दर्शकों, काला धागा यह परंपरा आज की नहीं है, बहुत पुराने समय से काला धागा धारण करने की परंपरा चली आ रही है और शास्त्रों के अनुसार काला धागा धारण करने से मनुष्य को बहुत से लाभ हो सकते हैं। कहीं कहीं पर जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होते ही बच्चे को काला धागा पहना दिया जाता है, ऐसा वहां का रिवाज होता है। प्रिय साथियों, हिंदू धर्म में काले धागे को बहुत ही चमत्कारी कहा गया है, बहुत ही शुभ माना गया है। काले धागे से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें आज आपको मैं बताऊंगा। वीडियो को आपने पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। प्रिय साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि काला धागा अगर आप धारण करते हैं तो उससे आपको क्या फायदा हो सकता है। प्रिय साथियों, अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शनि देव पीड़ा दे रहे हैं, शनि ग्रह से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई दोष बन रहा है, तो अगर आप काला धागा धारण करते हैं तो इससे आपको शनि ग्रह के कुप्रभाव से मुक्ति मिल सकती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह से रिलेटेड किसी भी दोष का निर्माण हो रहा है तो आपको काला धागा जरूर धारण करना चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर आप नोट कर लीजिए कि अगर आपने काला धागा धारण किया हुआ है, चाहे आपने हाथ पर बांधा हुआ है या पैर पर बांधा हुआ है, काला धागा जहां पर आपने बांधा हुआ है उसके पास अन्य किसी रंग का धागा नहीं होना चाहिए। अगर आप वहां पर काले धागे के साथ किसी और रंग का धागा भी पहनते हैं तो काले धागे से जुड़ा हुआ कोई भी शुभ परिणाम आपको नहीं प्राप्त होगा। इसलिए जहां पर काला धागा धारण किया है वहां पर अन्य रंग का धागा पहनने से बचना चाहिए। प्रिय साथियों, अब अगले पॉइंट की तरफ रुख कर लेते हैं। प्रिय साथियों, अक्सर छोटे बच्चों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है, तो ऐसी स्थिति में कि उन्हें नजर दोष से बचाया जा सके काला धागा धारण करना बेहद उपयुक्त होता है। अगर ऐसे बच्चे जिन्हें बार बार और बड़ी जल्दी जल्दी नजर लगती है तो अगर ऐसे बच्चों को काला धागा पहना दिया जाता है तो नजर दोष के प्रभाव से उन्हें मुक्ति मिल सकती है। जिस बच्चे को
काला धागा पहनाया गया है उसको नजर लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि काला धागा अपने आप में एक दिव्य है जो नजर के दोष को खत्म कर देता है, बुरी नजर को लगने नहीं देता। इसलिए नजर दोष से बचाव के लिए भी काला धागा धारण किया जाता है। प्रिय साथियों, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ऐसे जातक जिन्हें अक्सर पेट दर्द की शिकायत रहती है, पेट में जिनके रह रहकर दर्द होता है, एक या दो दिन छोड़कर पेट में किसी न किसी तरह की कोई समस्या हो ही जाती है, तो ऐसे जातकों को दाहिने पैर का जो अंगूठा होता है उस पर काला धागा जरूर पहनना चाहिए। अगर आप दाहिने पैर के अंगूठे पर काला धागा पहनते हैं तो पेट दर्द, पेट से जुड़ी गंभीर समस्या से आपको मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि काला धागा इस समस्या को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। और प्रिय साथियों, अब मैं आपको बता देता हूं कि काले धागे को किस प्रकार धारण करना चाहिए। यह नहीं है कि आप मार्केट गए, वहां से काला धागा लेकर के आए और ऐसे ही पहना दिया, ऐसी स्थिति में काम नहीं करेगा वह। आप वह काला धागा लेकर के आते हैं या तो अपने ब्राह्मण से या आसपास जो भी पंडित जी हो उनसे वह धागा अभिमंत्रित जरूर करवा लेना चाहिए। जो भी ब्राह्मण जिसके पास आप काला धागा लेकर के जाओगे वह उसको अभिमंत्रित करेगा, उसके ऊपर गांठ लगा कर देगा, तभी वह धागा काम करेगा। अगर आप बिना अभिमंत्रित किए बांधोगे तब वह काम नहीं करेगा। इसलिए धागे को अभिमंत्रित जरूर करवा ले, तभी उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से ये काले धागे से जुड़े हुए कुछ जादुई और चमत्कारी बातें मैंने आपको बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको भी शनि ग्रह से रिलेटेड, नजर दोष से रिलेटेड, पेट दर्द से रिलेटेड कोई समस्या है तो आपको भी काला धागा जरूर धारण करना चाहिए। प्रिय साथियों, अगर आज के इस एपिसोड से रिलेटेड आपका किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। प्यारे साथियों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रिय साथियों, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लेंगे, क्योंकि यहां पर आपको जानकारी के साथ साथ सही सलाह भी दी जाती है। हमारा उद्देश्य होता है कि आपके लिए ऐसी विषय वस्तु लेकर के आई जाए जो आपके काम आए, जिस जानकारी से आपको लाभ प्राप्त हो। प्रिय साथियों, भ्रम को हटाना है, सत्य को फैलाना है, यह हमारा उद्देश्य होता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी नए और रोचक विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। अगर आपका कोई ऐसा विषय है जिसके ऊपर आप हमसे वीडियो की अभिलाषा रखते हैं तो आप अपना वह विषय कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। साथियों, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तजनों से आज्ञा लेता हूं। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार परित्राणा परायणे सर्वस्था हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली पालनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।